के अंदर राइड है ये सरिता विहार की। सरिता विहार ऐसे 4 किलोमीटर दूर पर डिस्टेंस सर तिरी हुई अभी बिगड़ जाता है यहीं पे भाई। रैपिडो के अंदर अपने पास में राइड आई है ओखला फेस वन की। राइड आई है मेरे पास में जसोला विहार मेट्रो स्टेशन से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आपका स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भाई साहब कल मैं छुट्टी करने वाला हूँ तो मुझे कल की तैयारी आज ही करनी है, मतलब कि मुझे आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। मैं करूँगा आज बाइक टैक्सी, तो मेरा टारगेट है 1300 रुपये कम से कम आज मुझे कमाने हैं। और साथ में भाई साहब आपने लास्ट वीडियो में अगर नहीं देखा होगा तो भाई साहब हेलमेट ले लिया है बढ़िया वाला कस्टमर के लिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। तो फटाफट चलते हैं फील्ड में और देखते हैं आज कितनी अर्निंग होगी। घर से आईडी ऑनलाइन करते हैं, लगभग 12:30 बजने वाले हैं और देखते हैं पहली राइड कब आती है। भाई आईडी ऑनलाइन करते ही राइड आ गई है, 105 रुपये की है, अंसारी नगर लेके जाना है और ये अमृता पब्लिक स्कूल से है। तो चलते हैं पिकअप करने और लेकर चलते हैं। भाई मीटर की रीडिंग देख लो 6115 चली हुई है और एंड में आके देखेंगे कितनी चलती है। अच्छी बात ये है कि भाई हेलमेट की शुरुआत एक कन्या से हो रही है। ये लो 7313। अल्लाह नया है, पहली बार यूज हो रहा है हेलमेट आपके ऊपर। क्या बोला तूने? हाँ अभी पहली बार हो रहा है ना, जब धीरे धीरे सब पहनेंगे तो फिर लूज हो। हाँ हाँ जी कोई इशू नहीं है, बैठ जाइए। 14 किलोमीटर दिखा रहा, पर इधर से जाएंगे 13 किलोमीटर 50 मिनट। चलो चलते हैं। भाई ओला के अंदर दिखा रहा है 13 किलोमीटर, बट हमें क्या यार, पहली शुरुआत अच्छी हो गई, 100 रुपये प्लस की राइड आ गई। चलो फटाफट करते हैं कंप्लीट और देखते हैं भाई ओला क्या क्या काटता है इस राइड पे। लो भाई ये ट्रिप हो चुकी है कंप्लीट, 85 कस्टमर से लिए, बाकी कंपनी हमें ऐड करके देगी। 104 रुपये मिले मुझे 12.5 किलोमीटर के, और अब की बार इसने इंश्योरेंस कुछ नहीं काटा। कल तो भाई काट रहा था, गुस्सा आ रहा था मुझे, देखता हूँ कुछ काटा नहीं काटा। यहाँ देखो कुछ नहीं काटा है इस पर टीट, ये देखो यहाँ सिर्फ ये काटा है TDS। कल तो भाई साहब अलग अलग चीज़ें काट रहा था, आज तो खाली ये काटा है। कल तो 5 रुपये इंश्योरेंस के ये वो काट रहा था, बाकी अब वेट करते हैं यहाँ से कहाँ की राइड आती है। भाई पहले ही 1 घंटा लग गया लगभग टोटल अराउंड मिलाकर, जिसमें हमारी अर्निंग 104 रुपये की हो गई। भाई तो भाई मेरे पास में ओला की राइड आ गई है 100 रुपये प्लस की, जो लेके जाना है नेवसराय। और भाई लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ, इतनी भीड़ में पहचानूँ कैसे मैं? चलो थोड़ी सी और आगे वाले पे चलते हैं। ओहो भाई कैसे पहचानूँ इतनी पब्लिक में मैं, कौन है इधर? हाँ मेरी तरफ तो देख, अरे भाई यार कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे साइड में रोक के पता करता हूँ कहाँ, इतनी पब्लिक में कैसे पहचानूँ। भाई मेरा सामने, इनको लेके जाना है, ये खड़े हैं ठीक है आ जाओ। भाई मैं रोड पे खड़े हैं तो ये लो भाई पूरी चलती रोड पे, ये लो ओटी भी बताइए। हेलमेट है अरे मैंने देखा ही नहीं। 1349 बैठ जाइए। हेलो भाई साहब दिखाता हूँ पशुपति मोटर। अच्छा बाइक लेने जा रहे हो? हाँ। चलो ठीक है सर्विस सेंटर पे। तो भाई साहब 10 किलोमीटर ये दिखा रहा, 10 किलोमीटर और 105 रुपये के समथिंग की ये राइड है। तो करते हैं फटाफट कंप्लीट, भाई सर्विस सेंटर लेके जाना, हीरो के सर्विस सेंटर इग्नो रोड पे नेवसराय इनको। लो भाई लोकेशन पे पहुँच गए हम हीरो के शोरूम पे। ये लो भाई साहब ये हीरो का सर्विस सेंटर, एंड करते हैं 85 ऑनलाइन। ओके तो भाई कंप्लीट हो गई है ट्रिप, और साइड में छाया मैं रुक के इसको करता हूँ कंप्लीट, क्योंकि हमें रुक के वेट ही तो करना पड़ेगा नेक्स्ट राइड का। ये 5-स्टार रेटिंग के साथ में डन कर दिया इसको,
और इस पे मिले हमें 103 रुपये, 205 रुपये की अर्निंग हो गई। 11.5 किलोमीटर दिखा दिया इस पे, कोई बात नहीं, जितना कभी ये कम दिखा देता कभी ज़्यादा दिखा देता, सब ऊपर नीचे चलता रहता है। ये देखो भाई 205 रुपये की अर्निंग हो गई 1.5 घंटे के अंदर, क्योंकि हम निकले थे 12:15 बजे के समथिंग और अभी हो रहा है 1:46। तो भाई सही है, बढ़िया है, ऐसी लॉन्ग ट्रिप आती रहें सारी, 10 ट्रिप मारो, 10, 12, 13 और अपना घर निकलो। वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का कितनी देर में आती है भाई। तो भाई रैपिडो के अंदर अपने पास में राइड आई है ओखला फेस वन की, जो कि मैं पिकअप लोकेशन पे शायद इन भाई को जाना और रोक लेता हूँ, इन्हीं को जाना। छियानवे जीरो पाँच तो क्या फायदा फिर तुम्हारा, तुम बताओ। ये लो भैया, भाई 12 किलोमीटर की राइड है, 35 मिनट लगेंगे, मतलब कि यार आज मेरी रैपिडो और ओला दोनों मिल। अरे यार क्या कर रहे हो तुम, अरे तो लगा लो फिर इसे, लगा लो पहले इसे, अब खराब हो जाएगा। मैं माँ हाँ यार कि इतना महंगा हेलमेट लेके चल रहा हूँ, हाथ में पकड़ के चल रहा है यार, अभी टूट जाता शीशा पीसा, अभी यहीं ले लेता सारे पैसे, दिमाग खराब हो रहा है। चलो थोड़ा सा आगे लो भाई साहब, पहुँच गए। ऑनलाइन में पूछ रहा है तुम्हारे ऐप में पे करने का ऑप्शन आएगा। ये बड़ा बेकार लगता है इसका रैपिडो का सिस्टम, अटक जाती है पेमेंट। हाँ हो कैश कलेक्ट है यार, कितने ऑनलाइन कर दो होंगे शायद 5 या 4 रुपए तो दे देना, ऑनलाइन ले लो 14 रुपए पेटीएम कर लो। भाई ओला के अंदर राइड आई है सरिता विहार की, सरिता विहार ऐसे 4-5 किलोमीटर दूर पर डिस्टेंस, अरे तेरी भी अभी अभी बिगड़ जाता है यहीं पे पत्थर आ गया था बाइक के पास में, पर डिस्टेंस दिखा रहा है इस पे यार 9 किलोमीटर है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ है, तो कैसे रूट मैप करके दिखा दिया है। पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, बाकी गेम तो अभी देखेंगे पिकअप करने के बाद क्या सीन है। फ़ोन करता हूँ, पहुंच गया हूँ लोकेशन पे। ये देखो भाई ओला लोकेशन 5 ट्रिपल। अच्छा अच्छा आपके पास है, ओ 9.8 किलोमीटर दिखा रहा है, हाँ ऐसा ही है ये देखो भाई डिस्टेंस दिखा रहा है, इतना ज़्यादा घुमा के, यही ना सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास वाला है मैम, वही ना मेट्रो स्टेशन के पास वाला। थोड़ा सा रॉन्ग वे में निकल जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाए, है ना, जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं तो पूरा आधा घंटा दिखा रहा है। हाँ देख लेते हैं एक बार, चलो भाई फटाफट करते हैं, रिक्स लेते हैं और करते हैं ड्रॉप। ओके ठीक है भाई, ये राइड कर दिए कंप्लीट, 2.5 किलोमीटर के अंदर ही राइड कंप्लीट कर दी मैंने शॉर्टकट लेके, और पैसे भाई पूरे मिल गए 74 रुपये, 9 किलोमीटर दिखा दिया। अभी मैं दिखाता हूँ देखो ओला का जो ऐप है वो कितना स्पेशल है,
अभी तुम टाइम देखोगे 9 मिनट के अंदर क्या मैं 9 किलोमीटर बाइक चला सकता हूँ दिल्ली में, जबकि मेरे को दिखा रहा था 30 मिनट के समथिंग दिखा रहा था, 9 मिनट के अंदर मैंने राइड कंप्लीट कर दी और 9 किलोमीटर दिखा दिया भाई वो लोगों ने पूरा। मैं मैप बंद करके आया था सीधा, बड़ा हरामी हो बेटा, क्योंकि मुझे पैसे बचाने थे, नहीं तो पैसे कटते भी नहीं, फिर भी नहीं कटते ओला में। डिस्टेंस अगर तुम शॉर्टकट लेके जा रहे हो ना ओला में तो भी नहीं कटेंगे, और तुम लॉन्ग डिस्टेंस से जाओगे तो भी नहीं बढ़ेंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, एक बार जितने की राइड आ गई उतने ही पैसे रहेंगे उस पर, फिर वो कोई घटते बढ़ते नहीं है। हाँ ये हो कि लोकेशन आगे पीछे ना हो कि भाई ड्रॉप पहले ही कर दोगे तो हो सकता है कस्टमर चेंज कर दे तो पैसे घट सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता। आ गया ना मजे भाई, ये देखो अर्निंग 280 रुपये इसमें मानो, और हमारे कहाँ गया रैपिडो में हो गई है 107 रुपये, लोग 385-87 रुपये की अर्निंग हो गई लगभग। वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का और खोलते हैं यहाँ से सब कुछ। भाई 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय बर्बाद करने के बाद में राइड आई है मेरे पास में, जसोला विहार मेट्रो स्टेशन से लेके जाना है मुझे ओखला फेस 1, और 6 किलोमीटर के समथिंग दिखा रहा था, बट 6 किलोमीटर होगा कहाँ यार, कम ही होगा। गेट नंबर 3 बताया था इन्होंने, और मैं इधर 4 है 3 किधर है भाई, 2 है इधर, तो ये 3 कहाँ है, ये 3 है क्या, आई थिंक ये है क्या भाई, चलो भाई यही लग रहा है मेरे को। राहुल के नाम से OTP बताओ। 2446 ये लो, अबे हो जा वेरीफाई। ए लो भाई, अब देखते हैं इसका डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 6.3 किलोमीटर, शॉर्टकट का कोई पंगा नहीं है, और ये 21 मिनट दिखा रहा है, 6 किलोमीटर है ये, और दूसरा रूट लेके जाते तो टाइम कम लगेगा, मिनट ज़्यादा लगेगी, तो जैसे तैसे करके इसको कंप्लीट कर दें। थोड़ा सामने उस दिन वो कट मैंने छोड़ दिया था, बट आज मैं उस कट से निकाल दूंगा, कोशिश करूँगा, मेरा तो कम से कम लगभग 800-900 मीटर बच जाएगा, तो करते हैं इसे कंप्लीट और फिर दिखाते हैं आपको टोटल अर्निंग अभी तक कितनी हुई है। एंड ट्रिप ये लीजिए, बार कोड कितना हुआ, 25। ओके ये लो भाई कंप्लीट कर दी मैंने ये राइड, 41 रुपये मिले, 4.8 किलोमीटर दिखा दिया, 6 किलोमीटर था ये तो। अबे भाई ये आदमी हरामी है यार, ये मतलब कि शॉर्टकट ले रहा हूँ तो पैसे काट रहा है, वो मैंने मैप ऑन ऑफ नहीं करा था इसलिए इस चक्कर से यार, जल्दबाजी के चक्कर में भूल गया, 6 किलोमीटर थे पूरे, वो मिलते मुझे 50 रुपये यार, कर लिया घाटा जल्दबाजी के चक्कर में, मैप ऑन ऑफ करना भूल गया यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। 320 ही हो गए, और अपना रैपिडो में 107, 427 रुपये के समथिंग अर्निंग हो गई भाई सारी, 427 के समथिंग, और घंटे हो गए 4:30 एक तरीके से, 4.5 घंटे हो गए। चलो वेट करते हैं, अरे यार अगर कभी शॉर्टकट ले रहे हो ना ओला में, बस मैप को ऑफ करो 2 मिनट के लिए, फिर ऑन करो, फिर ऑन करो 2-3 बार ऐसे कर लो ना, फिर ठीक रहता है। अब चलते मैप पे आ गया, ऐसी की तैसी लग गई यार, पैसे कट गए भाई। ये ओखला का जो एरिया है ना, इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम है, या तो मॉर्निंग में यहाँ पर ज़्यादातर बुक करके आते हैं लोग, या शाम को यहाँ से बुक करके घर जाते हैं, बाकी टाइम में बिल्कुल टाइम वेस्ट, इक्का दुक्का कोई किसी काम से निकल रहा है तो बुकिंग आएगी, नहीं तो कोई बुकिंग नहीं आएगी। और ऐसे ही सरिता विहार जसोला वगैरह उधर भी बहुत ही रेयर ही बुक करते हैं लोग, बहुत ही कम होते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर राइडर भी होते हैं तो उनके पास चली जाती है। तो मुझे तो ये एरिया बेकार लगता है, इधर आना बेकार है, अब नहीं लिया करूँगा यार इधर की राइडें, अपना उधर की तरफ ही सही है, अपना साउथ में जैसे हो गया हो खास मालवीय नगर, GK1 GK2, इधर का एरिया सही है, उधर कुछ ना कुछ कोई ना कोई जाता ही रहता है आसपास में, तो वहाँ काम निकल जाता है सही। इधर फंस गए काम के चक्कर में, सर्विस लाइन में लेके रेड लाइट से टर्न ले लूँगा भाई। Few moments later. भाई टाइम देखो 11:28 हो रहा है, और मीटर की रीडिंग है भाई साहब 62:47 दिख रही है। भाई साहब घर आ चुका हूँ मैं,
और मॉर्निंग में जो बोल के गया था 1300 रुपये कमाऊंगा आज, भाई आज तो 1300 कमाना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे राइड मिल गई थी एक बार को घर की साइड की, जब मेरा काम 800 कुछ का हुआ था, बट मुझे वो राइड पिकअप लोकेशन में पहुंचने के बाद कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में कमेंट करी थी कि भाई मैं 1300 कमा के दिखाऊंगा। भाई 1300 कमाने के चक्कर में मैं लास्ट मोमेंट में 10 बजे के समथिंग राइड एक्सेप्ट कर ली, इतनी दूर चला गया भाई साहब, वहां से फिर 16-17 किलोमीटर घर खाली आया हूँ 1300 कमाने के चक्कर में। बट जो था जैसे था मैंने 1300 रुपए कमा लिए, 482 रुपए के समथिंग रैपिडो में अर्निंग हुई और 813 रुपए के समथिंग ओला में अर्निंग हुई। दोनों की अर्निंग मिलाकर लगभग 1295 के समथिंग कुछ पैसे एक्स्ट्रा आ जाते हैं, 10-5 रुपए पूरे दिन में, तो कुल मिलाकर 1300 रुपए की अर्निंग मैंने कर ली। और हाँ, बाइक की अगर बात करी जाए तो आज मेरी बाइक चली 133 किलोमीटर है, जिसमें मेरा 250 के समथिंग का पेट्रोल लगा होगा। और हाँ, ओला का भी अगर इंसेंटिव जोड़ा जाए, क्योंकि 200 का इंसेंटिव अचीव हुआ है, तो वो भी अगर जोड़े जाए तो 1500 की अर्निंग हो गई मेरी भाई। बाकी हम उसे 200 वाला इंसेंटिव नहीं जोड़ रहे, क्योंकि वो वीकली है, एक तरीके से पूरे वीक काम करते जा रहे तब जाके वो अचीव हो रहा है, तो उसे डेली में काउंट नहीं करते। तो भाई साहब 250 का पेट्रोल लगा, 50 रुपए खाने में खर्च, तो 1000 रुपए बचे आज मुझे। और आज मुझे 9 घंटे नहीं लगे, 10 घंटे नहीं लगे, आज 11-11.5 घंटे लगे काम करने में मुझे। भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी, बट हाँ नेक्स्ट टाइम से बोल के नहीं जाऊंगा, आप सभी को पता चल ही गया होगा लगातार वीडियो से कि भाई साहब मैं चाहूं तो 1600-1700 भी कमा सकता हूं एक दिन के, पर अगर मैं वो उतने कमाऊंगा तो फिर मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि फिर मेरा सारा फोकस कमाई पे रहेगा और मैं पूरे दिन थक के आ जाऊंगा तो घर सो जाऊंगा, अगले दिन थोड़ी ना एडिट करूंगा तो अगले दिन फिर काम पे निकल जाऊंगा। तो रेगुलर अगर इस तरीके से मैं काम करूंगा तो मैं भाई साहब कमा सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है कि मैं कमा सकता हूं इतने पैसे जितने मैं चाहूं। 100 रुपए घंटा एवरेज निकलती है, 100-150 रुपए मैं कमा सकता हूँ, बट मुझे वीडियो भी डालनी होती है, तो इस चक्कर से मैं लिमिटेड ही कमाता हूँ, कभी 700, 800, 900, 1000 इस तरीके से, यानी कि आपको रेगुलर वीडियो भी मिलते रहे और आपको देखने को मिलता रहे, नए नए अपडेट आपको देता रहूं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, ओला का नया अपडेट आप सभी को पता ही चल गया होगा, ओला ने गो होम हटा दिया है, अब सिर्फ ऑनलाइन का ऑप्शन शो करता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, गो होम नहीं है। और ओला ने एक चीज और काटनी शुरू करी है हाल ही से, हर राइड पे, किसी राइड पे इंश्योरेंस के पैसे काट रहा है, किसी पे नहीं काट रहा है, किसी पे 5 रुपए, किसी पे 3 रुपए, किसी पे 2 रुपए इंश्योरेंस के नाम पे काट रहा है, जो कि अभी तक नहीं काट रहा था। बाकी फूड डिलीवरी अगर आपके पास में ओला मैप करके कुछ शो कर रहा है तो वो फूड डिलीवरी है, और मैं तो कहता हूँ फूड डिलीवरी को ऑफ ही कर दो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट देखो, 126 रुपए के समथिंग का ये ऑर्डर भाई के पास में असाइन हुआ था, 15 रुपए इन्होंने प्लेटफॉर्म के, 15 रुपए के समथिंग प्लेटफॉर्म चार्ज काट लिया, 6 रुपए के समथिंग कुछ और काटा इन्होंने, और कुछ भी काटा है, मतलब कि कुल मिला के इन्होंने 30-35 रुपए काट लिए, बंदे को मिले 88 रुपए, सारा पैसा ही काट लिया एक तरीके से, 50 रुपए के समथिंग बंदे के कट ही गए इन्हीं चीजों में। तो भाई फूड डिलीवरी को तो आप बंद ही कर दो, पहले 50 रुपए फ्लैट पर ऑर्डर इंसेंटिव दे रहा था, ओला बोल रहा था कि फ्लैट इंसेंटिव देंगे, बट अब ऐसा भी कुछ नहीं है शायद, मैंने सुनने में आया कि कोई इंसेंटिव नहीं दे रहा। तो ओला फूड डिलीवरी जिस जिसकी ऑन है आप बंद कर सकते हो, वहां पे जाके क्लिक कर दोगे या अप्लाई कर दोगे तो वो फूड डिलीवरी ऑफ हो जाएगी, जो बाइक मैप करके लिखा है उसको बंद कर दो आप, फूड डिलीवरी बेकार है, मैं तो पहले से कहता हूँ फूड डिलीवरी बेकार होती है, बाइक टैक्सी चला रहा है बंदा उसी में करो। बाकी इस वीडियो में इतना है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अर्निंग से रिलेटेड और बाइक टैक्सी वगैरह पार्सल डिलीवरी से रिलेटेड अपडेट आपको रेगुलर देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।